हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरु जनुजरिया। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए, आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो आपको हमेशा आपके पोर्टफोलियो में दिखता है ना, रेड रेड रेड, लॉसेस लॉसेस लॉसेस। तो उसको हम इसके थ्रू, इस इंडिकेटर के थ्रू, उसको ग्रीन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ख़तरनाक इंडिकेटर है। अगर आप इसे एक बार सीख गए तो नो डाउट अच्छा खासा प्रॉफिट इससे निकाल सकते हो। ठीक है ना, बहुत आसान है। तो चलिए अपन बात करते हैं इंडिकेटर के बारे में। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले आप इंडिकेटर में जाओगे और इंडिकेटर में आपको जाके सर्च करना है। रुको, ये पेंसिल ऑटोमेटिक लिख रही है, वेट अ मिनट। ओके, इंडिकेटर में आपको सर्च करना है DMI। ठीक है, ठीक है, ये आ गया है DMI। हमने इसको विशलिस्ट कर लिया यहाँ से। ठीक है, विशलिस्ट कर लिया यहाँ से, हमने इस पर क्लिक किया, ये DMI लग गया। दो लग गए क्या? एक को हटा देते हैं। ठीक है, एक हटा दिया हमने। उसके बाद हम करेंगे इसके यहाँ पर ऊपर क्लिक, है ना। क्लिक करने के बाद आप जाओगे सेटिंग पर। सेटिंग पर देखो इनपुट, अगर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे कि 14 की जगह 16 कर दो, थोड़ा मोटा हो जाएगा। ठीक है, और ADX की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ा सकते हो। कितना कर सकते हो? जैसे कि इसको भी मैं 16 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ कर दिया मैंने ये। उसके बाद मैं गया स्टाइल पर। स्टाइल पर क्या करेंगे, देखो +DI है, इसके कलर को मैं चेंज करूँगा। ऐसा करते हैं, चलो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। ठीक है, ये मैंने सारे हटा दिए, मैंने ओनली क्या रखा, ADX। ठीक है, अब हमारे ग्राफ में क्या आ गया, ADX आ गया। अब ये जो ADX है वो हमें दिखाएगा मार्केट की ट्रेंड को, कि मार्केट जो है वो मतलब ट्रेंड में है या नहीं है, साइडवेज चल रहा है। सॉरी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके और इसको 25 पर सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, जो भी 25 से ऊपर ही रखो, ज़्यादा बेटर है। 25 पे इसको सेलेक्ट किया, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन कीजिए। अब आपकी ये लाइन आ गई। ठीक है, ये ब्लू कलर की लाइन आ गई। इस ब्लू कलर की लाइन से ऊपर जो है, मैं एक बार इधर कर देता हूँ, अरे क्या हो रही, हाँ ठीक है, ब्लू कलर की लाइन से ऊपर अगर मार्केट चल रहा है, अगर ब्लू कलर की लाइन से ऊपर अगर मार्केट, जैसे कि ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन जो है वो ब्लू लाइन से ऊपर है, इससे ऊपर है, तो यहां तक क्या मार्केट ट्रेंड में। देखो यहां आप क्लिक करोगे, एक मिनट मैं दिखाता हूं। क्या हो रहा है ये, मैं हाइलाइटर यूज करता हूं। ठीक है, इसके लिए। ठीक है, यहां से मार्केट गया ऊपर, अब जा रहा है ये अब ठीक है, यहाँ तक गया, ये इस पॉइंट तक गया, इस पॉइंट तक। उसके बाद मार्केट नीचे जाने लग रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड कहाँ तक था, यहाँ से ही लेके यहाँ तक ट्रेंड था इसका। ठीक है, मार्केट किस में था, ट्रेंड में। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। ठीक है, तो उसके लिए हम जाते हैं फिर से एक बार सेटिंग पर। हम सेटिंग पर गए, हम इसके कलर्स वगैरह चेंज करेंगे। ठीक है, +DI जो है वो दिखाएगी अप ट्रेंड को, और जो -DI है वो दिखाएगी डाउन ट्रेंड को। इसके कलर्स अलग है इसलिए हम इसके कलर्स को चेंज कर लेते हैं। +DI जैसे अप ट्रेंड को दिखा रही है, हम इसको कर देते हैं ग्रीन कलर। ठीक है, ये जो है अप ट्रेंड को दिखा रही है, ऊपर जा रही है। अब हमारे माइंड में क्लियर रहेगा ना, बार बार कलर में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। -DI को हम कर देते हैं रेड में, ये हमें जो है वो लो ट्रेंड दिखा रही है। ठीक है, और ये जो कलर है इसको आप कोई सा भी रखो, जैसे मैं व्हाइट चार्ट में देख रहा हूँ, मैं इसको ब्लैक कलर का कर देता हूँ। आपका जो मन है वो इस कलर को रख सकते हो, उन दो को आप वही रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अभी अपन एक बार फिर से देखते हैं। अरे हाइलाइटर ऑटोमेटिक चालू हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। देखो ये ब्लैक वाला इंसान ADX भी ऊपर जा रहा है और ये ग्रीन कलर वाला भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूस ऊपर जा ही रहा है। इसके बाद ये गया नीचे यहाँ पर, लेकिन ये मार्केट ट्रेंड में ही तो अभी भी प्रॉफिट देगा ये। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ तक डाउन नहीं गया है। यहाँ पर जाने के बाद ये यहाँ पर टच हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये बनी ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन मार्केट जो है नीचे जा रहा है, तो उतना प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, फिर साइड भी चलेगा, और रेड ऊपर जैसे ही जा रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। अरे रुक जा भाई, कितना कॉल आ रहा है, एक मिनट, ये क्या हो रहा है मेरे पास, ब्रोस हो रही है, वो खाएं इसका इरेजर। पता नहीं, मैंने वीडियो बनाने से पहले नहीं देखा इरेजर कहाँ पर है। मैं अच्छा, डिलीट हो जाएगा डायरेक्टली ये। ठीक है, मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ इसको।
जिससे क्या थोड़ा सा क्लियर रहेगा, है ना। कुछ भी डिलीट नहीं हो रहा, साला पागल बना रहा है ये, कैसे हटेगा यार ये। छोड़ो जो भी, ये नहीं हट रहा है ना। क्या आफत होगी, वीडियो को ख़राब करेगा ये। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना, अगर ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है, अगर इस लाइन से नीचे मार्केट, अगर इस लाइन से नीचे लाइन है, ये वाली लाइन है, अगर इस लाइन से नीचे या तो ग्रीन लाइन है या रेड लाइन है, अगर इस लाइन से नीचे होती है तो मार्केट साइडवेज चलेगा। याद है, क्लियर है। मार्केट अप ट्रेंड में कब जाएगा, जब 25 से ऊपर एक तो ADX की लाइन होनी चाहिए और दूसरी कौन सी, ग्रीन वाली लाइन होनी चाहिए। ग्रीन इन द सेंस प्लस DI, यानी कि अप ट्रेंड को दिखाएगा और जो ADX लाइन है वो ट्रेंड को दिखाएगी। अरे यार वीडियो ख़राब हो गई साला इसके चक्कर में।